राजधानी भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। अब खबर यह है कि बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट दिया गया है, विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया। AICC की प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं, इसमें असम मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़े प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। ये दो नाम जो आखिरी में देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा का नाम शामिल है, बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट मिला है। राजकुमार पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बुधनी से विधायक भी रह चुके हैं, जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ रखते हैं, कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित करते हैं, वरिष्ठ नेताओं के बीच अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। तो मजबूत प्रत्याशी कहीं ना कहीं दोनों सीट से कांग्रेस ने उतारे हैं, चाहे बुधनी की बात हो, विजयपुर की बात हो। बुधनी से राजकुमार पटेल का अब सीधा मुकाबला किससे है? रमाकांत भार्गव से। रमाकांत भार्गव वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। विजयपुर से रामनिवास रावत से सीधा मुकाबला मुकेश मल्होत्रा का है। रामनिवास 6 बार विधायक रह चुके हैं विजयपुर से कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधायकी से इस्तीफा दिया था, यही वजह है कि इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी गढ़ मानी जाती है, विधायक थे लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद बन गए, केंद्र में अब मंत्री हैं, तो उनकी सीट भी विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो AICC ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। उधर बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट मिला है, विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, तो अब कड़ी टक्कर कुल मिलाकर इन दोनों सीट पर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सोनू, देखिए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों पहले जो है अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था, क्योंकि विजयपुर से रामनिवास रावत तो पहले से फाइनल माने जा रहे थे, क्योंकि 6 बार के कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और जब वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उसके बाद ही उनको जो है वन मंत्री बना दिया गया। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे विजयपुर से जो है रामनिवास रावत को ही जो है बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी, और इसके बाद उसका मोहर भी लग जाता है, रामनिवास रावत को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है, और वहीं से मुकेश मल्होत्रा को जो है कांग्रेस ने जो है प्रत्याशी बनाया है। अगर हम बात करें मुकेश मल्होत्रा की, तो मुकेश मल्होत्रा भी जो है आदिवासी नेता माने जाते हैं, जिस तरीके से रामनिवास रावत की पकड़ है विजयपुर में, शिवपुर जिले में, तो उसी तरीके से जो है मुकेश मल्होत्रा की भी जो है पकड़ आदिवासी समाज में अधिक है, इसलिए जो है कांग्रेस ने उस पर विश्वास जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश मल्होत्रा जो है वो कितना टक्कर दे पाते हैं रामनिवास रावत को, क्योंकि जिस तरीके से रामनिवास रावत ने पिछले 15 से 20 सालों में जो है विजयपुर में काम किया है, उसके आधार पर क्या जनता एक बार फिर से उनको चुनती है या फिर मुकेश मल्होत्रा पर जो है विश्वास जताती है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी चिंतन मंथन कर रही थी अगर हम बात करें प्रत्याशी के चयन से पहले, और अब जो है एक बार फिर से कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को जो है टिकट दिया है। वही अगर हम बात करें बुधनी सीट से, तो बुधनी सीट से जो है बीजेपी ने भी राम भार्गव को जो है टिकट दिया है, अगर हम बात करें, वहीं कांग्रेस ने जो है राम पटेल को टिकट दिया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बुधनी जो है शिवराज सिंह चौहान की जो है सीट मानी जाती है, जहां रामाकांत भार्गव पूर्व सांसद भी रह चुके हैं विदिशा से, तो रामाकांत भार्गव भी जो है बुधनी में काफ़ी काम कर चुके हैं सांसद के तौर पर, अगर हम बात करें तो विदिशा जिले के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर जो है बीजेपी जो है सीधे तौर पर जो है अब वोट मांगने जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं कार्तिकेय, वो भी उनके समर्थन में लगातार जो है जनसभाएं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि रमाकांत भार्गव को इस बार बीजेपी जो है प्रत्याशी बना सकते
सकती है। तो ऐसे में रमाकांत भार्गव जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसी के आधार पर बीजेपी ने उनको जो है एक बार प्रत्याशी बनाया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस जो है कितना टक्कर दे पाती है, क्योंकि बुधनी में अगर हम बात करें तो पिछले 18-20 सालों से जो है बुधनी विधानसभा लगातार बीजेपी के पास रही है, और लगातार अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है वहाँ से विधायक बनते आए हैं, लेकिन इस बार रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो पकड़ है बुधनी में, एक बार उसको भेदने में कांग्रेस कितना कामयाब रहती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रंजन, तो सोशल इंजीनियरिंग का कांग्रेस ने ध्यान रखा, जातिगत समीकरण को ध्यान रखा, इसी को लेकर उसकी झलक भी इस लिस्ट में दिखाई दी है। बने रहिएगा रंजन आप हमारे साथ।